सभी को प्रेम नमन। गीता में भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश है कि बुद्ध ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमह क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा अभमेव च, अर्थात निश्चय करने की शक्ति यथार्थ ज्ञान अमूर्ता क्षमा सत्य इंद्रियों को वश में करना मन का निग्रह करना और सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा इसका मतलब एक पूरा कंप्लीट श्लोक है। इसके साथ ये भी कहा कि अहिंसा समता संतोष तप आचरण से इंद्रिय आदि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। दान कीर्ति और अपकीर्ति ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान फरमा रहे हैं कि आपके अंदर जितने भी भाव उठते हैं वो मेरे कारण, भगवान कह रहे हैं मेरे कारण उठते हैं। मतलब अगर हम ये मान के चलें कि हमारे सभी भावों के पीछे परमात्मा का ही सुंदर स्वरूप है कि वो ही कर रहे हैं और वही करवा रहे हैं, ये जो भाव बताए हैं अलग अलग तरह के, वो सभी भाव जो हैं वहां पर उसी तरह से समर्पित रहे, उसी तरह से वो भाव वो परमात्मा से ही पैदा होते हैं। अब परमात्मा का ये कंसेप्ट, परमात्मा को हम क्या समझते हैं और परमात्मा को क्या समझना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा और हम डिस्कशन करते हैं कि परमात्मा को किस रूप में समझा जाना चाहिए। हम जो समझते हैं वो परमात्मा का कौन सा रूप है। हम अभी तक अपने भीतर जो संकल्प विकल्प उठते हैं, जो विचार उठते हैं, वो भी परमात्मा के द्वारा ही पैदा किए जाते हैं। इस बात को मैं थोड़ा और विस्तार से एक्सप्लेन करता हूं। तो भगवान के जो वचन मैं शेयर कर रहा हूं आपके सबके साथ, ये श्री कृष्ण जी चैप्टर 10 और उसका छठा श्लोक है, ये गीता भागवत गीता चैप्टर 10 और उसका छठा श्लोक है। फरमाते हैं भगवान श्री कृष्ण अपना स्वरूप बता रहे हैं। ये स्वरूप जो है हम सबके भीतर उतरा है, तो इसको हमें समझने के लिए कि महर्षि सप्ते पूर्वे चत्वारो मनवस्थता मदभावा मानसा जातां येषां लोकां इमा प्रजा, अर्थात सातों महर्षि जन, चार उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभु आदि 14 मनु, ये सब मुझ भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे का बेस बता रहे हैं, फाउंडेशन बता रहे हैं कि कैसे सब मेरे द्वारा, भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और उसी के द्वारा ही ये खेल चलाया जा रहा है। अब इसका मतलब ये ओरिजिन बता रहे हैं जहां से हम पहुंचे हैं, और ये भगवान का जो स्वरूप, परमात्मा जो स्वरूप बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम सब मुझी में समाये हो और मैं तुम सब में समाया हूं। जरा इस बात को थोड़ा एक बार और आगे एक चैप्टर में एक पार्ट में समझते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम योवेति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष, जो इंसान मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग्य शक्ति को तत्व रूप से जानता है, भगवान फरमा रहे हैं कि अगर कोई इंसान ये जानता है ये सारा का सारा खेल मेरे द्वारा ही खेला जा रहा है, वैसे भगवान की माया है, कुछ दृश्य मात्र संसार है, इस भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ये जानना ही तत्व से जानना है, वह निश्चय भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसका अर्थ समझते हैं, हमारा जो मेन कार्य है इस धरती पर आने का, जो मुख्य पर्पज है, वो अपने आप को समझना, उस परमात्मा को समझना जो ये सारा खेल कर रहा है, और इस अंततः उस परमात्मा के स्वरूप से प्रेम करते हुए उसमें लीन होना। ये उनको तत्व रूप में समझने का एक प्रयास है कि प्रभु किस तरह से तत्व रूप में प्रेजेंट है, तो किस तरह से तत्व रूप में प्रेजेंट है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना है। कि जैसे अभी भगवान, अभी मैंने जो वचन बताए हैं कि कण कण में जितना भी ये खेल चल रहा है, ये सारा का सारा खेल
प्रभु के द्वारा चलाया जा रहा है, परमात्मा के द्वारा चलाया जा रहा है। अच्छा, अब किसी को ये खेल समझ में ना आए तो, ना आए तो, एक तो फरमा रहे हैं कि तत्व रूप में अगर किसी को समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, तो अल्टीमेट चीज है। ज्ञान और भक्ति का भेद यहां समझे, जो कहते हैं जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य स्वरूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व रूप से जानता है, तो वो निश्चय भक्ति योग से युक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो दोनों बातें हैं इसमें, तत्व रूप में जानना और भक्ति रूप में जानना, दोनों को अंत में मिलनी भक्ति है, दोनों को अंत में मिलनी भक्ति है। तो भक्ति अंत में क्या है, भक्ति को किस रूप में जाने, भक्ति का रूप परम प्रेम स्वरूप है, परमात्मा के प्रति प्रेम स्वरूप में भर जाए, परमात्मा के प्रति प्रेम रूप में भर जाए, क्योंकि प्रेम के बिना भक्ति का सार समझ में नहीं आता। भक्ति को अगर किसी भी रूप में जानना है, भक्ति और प्रेम को अपने भीतर गहरे से गहरा समझना है, तो परमात्मा का भक्ति का जो रहस्य है, एक बार पुनः सभी के साथ ये बात शेयर कर रहा हूं समझाने के लिए, कि जैसे ये मैंने उस दिन भी शेयर किया था, एक बार पुनः भक्ति का वो स्वरूप बता रहा हूं। तो भक्ति का स्वरूप, भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ सके निज मन समझो आए। अब भक्त जो होता है, भक्त का मतलब क्या है, भक्त शब्द जानते हैं आप, एक होता है विभक्त, विभक्त मतलब जो अलग है, वो अलग और ये, वो ये जानता है कि वो अलग और मैं अलग, विभक्त जो टूटा हुआ है, अलग है विभक्त, इसका उल्टा है भक्त, भक्त जो ये जानता है कि मैं और वो एक है। ज्ञानी भी यही जानता है, और ज्ञानी की डेफिनेशन क्या होती है, तुझमें और मुझमें एक ही रूप समाया हुआ है, ये ज्ञानी की भाषा है। भक्त की भाषा वही है, लेकिन वो प्रेम वाली भाषा है बस। तो और भक्ति सीढ़ी है मुक्ति की, जो लोग बार बार कार्य काम करते हैं ना, मुक्ति 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 करते हैं, तो भक्ति के रास्ते पर चलना, भक्ति के रास्ते पे गिर भी गए तो भी स्वर्गों में जाकर गिरोगे, याद रखना। योग भ्रष्ट आपने सुना है, योग भ्रष्ट इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान जो भक्ति में लगा था लेकिन वो पूर्णतः सफल उसमें नहीं हो पाया, अंततः वो योग भ्रष्ट हो गया, किसी भी कारण से उसका उसका दिमाग संगति में खराब हो गया या कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से वो अपना वो संकल्प पूरा नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी अगर वो इंसान भी जो डाउनफॉल में भी गया ना, वो भी जाकर स्वर्गों में गिरेगा, मतलब स्वर्ग तो उसको डिफॉल्ट मिल जाएंगे अगर कोई भक्ति करता हुआ जाता है। इसलिए स्वर्गों के पीछे क्या भागना, बाकी सब लोग स्वर्गों के पीछे पागल हो रहे फिर रहे हैं, स्वर्गों पीछे क्या भागना कि स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। बाकी सारे सारे धर्मों के बारे में आप समझो, किसी भी धर्म में बात करें जाती है मुक्ति की, किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में मुक्ति की बात नहीं होती, केवल सनातन धर्म में ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि मुक्ति नाम की भी कोई चीज होती है। उनको यही पता है, उनको ये पता है कि ज्यादा से ज्यादा बट यू विल गेट आउट ऑफ इट, जैसे वो लोग अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं कि उससे क्या मिलेगा अंततः, या जन्नत मिलेगी वो अपनी भाषा में जन्नत बोलते हैं, या फिर उसको स्वर्ग बोलते हैं, या फिर उसको हेवन बोलते हैं, हेवन में जगह मिलेगी क्योंकि होली फादर जो है वो हेवन से आते हैं। बात को समझा रहा हूँ सिर्फ कि उनका जो सोच है ना, वो हेवन से आगे नहीं जाती। हेवन मतलब क्या, संसार में जितने सुख आप सोच सकते हो ना, इससे हजारों लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सुख, बात वहीं अटकी है। सुख पाया लेकिन है वो भी सोने की बेड़ी, पार नहीं हुए, पार नहीं हुए, वो भी जैसे ही कर्म नष्ट हो जाएंगे स्वर्गों से गिर के फिर यही धरती पर आना पड़ेगा, मुक्ति नहीं है वो, याद रखना। स्वर्ग में जाना मुक्ति नहीं है, दिस ओनली फॉर ए टेम्परेरी पीरियड। इसलिए अगर बात करनी है तो फिर मुक्ति की बात करो ना, जिसके लिए, और मुक्ति कहाँ समाई है, मुक्ति के लिए अभी बात जो जो मैं ये वाणी लेकर चला हूं कि भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ सके निज मन समझो आए। फिर कहते भक्ति भक्ति सबको कहीं, भक्ति न जाने भेद, पूर्ण भक्ति तब तब जब मिले कृपा करें गुरुदेव। ऑफ कोर्स सदगुरु की कृपा की जरूरत है, पर कृपा का अर्थ भी जान ले, कृपा का अर्थ कर और पा, कर और पा, कर कोशिश तो कर परमात्मा से प्रेम, उसके गुण गा, भक्ति के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, प्रेम कर उससे, उससे गुण गा,
उसे गुण गाने का अलग अलग तरीका कि भक्ति बिन नहीं निस्तरे लाख करे जो कोई शब्द स्नेही होए रहे घर को पहुंचे सोए। तरीका क्या है उसका? वो है शब्द स्नेही होना। शब्द मतलब परमात्मा के गुरु के दिए हुए नाम का जाप करना, उससे प्रेम करना और अपने घर की यात्रा करने की तैयारी करना। वो शब्द क्या है? वो शब्द गुरु से मिलता है। आप जो भी, अगर आपको वो शब्द गुरु वाला नहीं मिला हुआ तो जो मिला हुआ है वहीं से शुरुआत करें। जहां मिला हुआ है, जो मिला हुआ है वहीं से शुरुआत करें और जप जप के अपने जीवन को सफल करें। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जब मौका मिले, जहां मौका मिले शब्द स्नेही हो रहे घर को पहुंचे सोए, उस शब्द के साथ प्रीत करनी है, उस शब्द के साथ प्रेम का एक रिश्ता जोड़ना है कि ये जो शब्द है यही मुक्ति की सीढ़ी है, यही शब्द के द्वारा जब जब कर हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए अपने दिल के अंदर, इसके अंदर जो वो अपने भक्ति दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव करके और खूब उसमें गहरी डुबकी लगानी है। श्वास श्वास में अजपा जाप जपना है, सिमरण करना है ताकि आत्मा का कल्याण हो सके। तो अजपा जाप जो है ये सीढ़ी है, या कोई भी मानसिक जाप, अभी हमने आज मानसिक जाप किया ना, तो मानसिक जाप भी कर सकते हैं, कोई भी मंत्र लेकर दोहराए, लेकिन प्रेम से दोहराना। याद रखना उद्देश्य भक्ति की प्राप्ति है, केवल मैकेनिकल राम 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 करने को नहीं कह रहा हूं। माला तो कर्मे फिले, मन जो है कहते मारा माला हाथों में फिरती है लेकिन मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है। उसके बजाय मन को ही लगा लेना, चाहे 5 मिनट के लिए लगाना, चाहे 5 मिनट के लिए। तो कहना, अगर राम कहना तो पूरे चित्त लगाकर, दिल लगाकर कहना, मन रे राम कहो चित्त लाए। अगर प्यार से चाहे 5 मिनट के लिए कहना, लेकिन कहना दिल से कहना, पूरा दिल लगाकर कहना। इसलिए समझ लेना इसकी बड़ी महिमा है, प्रभु के नाम की अपार महिमा है। एक बार भगवान के चरणों में नारद जी ने प्रार्थना करी, प्रभु आपके नाम की जो महिमा है मैं उसकी महिमा को जानना चाहता हूं, आप कृपा करें। सॉरी, नारद जी के चरणों में एक भक्त आया, उसने ये प्रार्थना करी कि मैं परमात्मा के नाम की महिमा को जानना चाहता हूं, आप कृपा करें मुझे बताएं कि नाम की महिमा क्या है। तो उन्होंने कहा कि नाम की महिमा शब्दों में बताएंगे, मन में सोचा तो इसकी बात समझ में नहीं आएगी, इसको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चलो प्रैक्टिकल करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सामने एक कीड़ा है, इसके पास जाकर परमात्मा के नाम का उच्चारण करो। एक कीड़ा है, इसके पास जाकर परमात्मा के नाम का उच्चारण करो। उसने कीड़े के पास जाकर परमात्मा के नाम का उच्चारण किया, जैसे भी राम बोला, कुछ बोला, जो भी बोला, जैसे उच्चारण किया उसको तुरंत दिखा कि वो कीड़ा जो है मर गया। बड़ा हैरान हुआ, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो परमात्मा के नाम की चैंटिंग करी और यहाँ पे कीड़ा ही मर गया। तो उसने जाके कहा कि भैया तो बिना बात पे आप मेरे सर पे चीज चढ़ा रहे हो, पाप चढ़ा रहे हो, तो मेरे को बताओ ये क्या हो गया। उन्होंने कहा देखता रहे, अभी अभी थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा और आगे चल। फिर कहा कि फलानी जगह पर एक तितली का बच्चा पैदा हो रहा है, जरा वहां देख। तितली का बच्चे को देखा उसने, तितली का बच्चे के रूप में, तो वो कीड़ा तो उसके पास कहता है, इसके पास जाके अब ये जो तितली का जो छोटा सा बच्चा है ना बटरफ्लाई, ये उड़ने की कोशिश कर रहा है, तू जरा इसके कानों में जाकर राम बोल। तो उसने जाके बोल दिया, उसके पास बोला राम। तो वो देखा कि थोड़ी देर में तितली का बच्चा, वो जो पैदा हुआ था थोड़ी देर पहले, वो मर गया। उसने कहा ये क्या मजाक है। फिर उसने कहा कि अब आगे फिर क्या करूं, गया उसने फिर कंप्लेन करी। फिर जाके उन्होंने कहा कि अब फलानी जगह पर एक हिरन के यहाँ बच्चा हुआ है, तो हिरन के पास जाकर तू उसके उस बच्चे के पास जाकर भी इसी तरह से परमात्मा के नाम की चैंटिंग कर। तो उन्होंने हिरन के पास जाकर राम के नाम की चैंटिंग करी, बोल राम। और जैसे राम बोला हिरन का बच्चा भी मर गया। बड़ी हैरानी हुई, भाई ये हो क्या रहा है, ये मेरे से पुण्य करवा रहे हैं, पाप करवा रहे हैं, चाहते क्या है ये। तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन उनसे प्रार्थना करी थी तो पूरी बात सुननी थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने उसको कहा तो उन्होंने कहा कि अब क्या करूं। तो कहा कि फलानी जगह के राजा के यहाँ पर एक राजकुमार जन्मा है,
एक बेटा पैदा हुआ है उसको जाकर देख और उसके कान में भी जाकर राम बोल। उसने कहा कि भाई अब मत मरवा देना, आपने बहुत हो गया, आपने मेरे से इतनी सारी हत्याएं करवा दी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे एक एक का हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन अब अगर मैं राजकुमार, क्योंकि वो तो एक राजा का बेटा है, अगर मैंने कुछ बोला और वो मर गया तो मेरी शामत आ जाएगी, तो इसमें गड़बड़ मत करो प्लीज, मेरी विनती है, पहले बता दो कि मरेगा या जिएगा, उसको मतलब मारना नहीं है आपने। उसने कहा तुम जाओ तो सही, मेरी बात पे भरोसा रखो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, भरोसा तो रखो। गया फाइनली जाकर और पता लगा कि फलानी जगह पर एक राजा के यहाँ पर एक बेटा हुआ है, तो उसके पास जाकर उसने बोला राम। जब बोला तो जो बच्चा था वो जोर जोर से उसके मुंह से हंसी निकलने लगी, और बच्चा बिल्कुल जैसे बड़े प्रौढ़ बोलते हैं उसकी भाषा में वो बोला बोलना शुरू किया। उसने कहा कि नारद जी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उस व्यक्ति को कहा कि आप मेरे गुरु के संदेश लेकर आए हो ना। जी मेरे को नहीं पता कौन किसका किसका क्या संदेश। कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। कहते जी आप हो कौन और कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, मुझे बात समझ में नहीं आई। तो फिर उन्होंने कहा कि वो जो गंदी नाली का कीड़ा था, वो कीड़ा जो था वो मैं था, आपने राम बोला, आपके एक बार गुरु के दिए हुए उपदेश से एक बार राम बोलते वो कीड़ा मर गया, मेरी उस जूनी से छुटकारा पड़ गया। फिर आपने दोबारा राम बोला तो वो दोबारा राम में तितली का जो बेबी वो हुआ लार्वा पैदा हुआ वो भी मैं था। मैंने कहा कि फिर आपने उसको भी मर गया जब आपने राम बोला, तो उसके बाद हिरण के बच्चे के रूप में पैदा हुआ, जब आपने राम बोला तो वो भी मर गया, और अब जो है मैं यहाँ पर एक राजकुमार के रूप में पैदा हुआ हूँ, ये तुम्हारे राम कहने का प्रभाव है। कहा मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ, तुमने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, ये आपके प्रभु के नाम की महिमा है। अब ये नाम जो अब यहाँ पर भी बात रुकी नहीं है, राजकुमार बन के तो आप भी पैदा हुए थे, आप में से कितने राजकुमार और राजकुमारियां बन के पैदा हो चुके हो। अभी भी आखिरी मुकाम नहीं है, अब इससे अगला मुकाम क्या है, इससे अगला मुकाम क्या है कि नरते सुर हुए चात निमक में सतगुरु की कृपा से अब नाम का जाप करके इंसान से परमात्मा ही बन जाना। जब इतना हो सकता है राम के नाम से, जब इतना हो सकता है तो फिर सीधे परमात्मा बनने की तैयारी करो, फिर उससे नीचे क्या बनना। क्योंकि भटक तो राजकुमार भी जाते हैं, देवी देवता भटक जाते हैं, आपने सुने नहीं है क्या। हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं कि यहां से स्वर्गों की तरफ स्वर्गों में चले गए, स्वर्गों में पहुंच के भी क्या हो जाएगा, स्वर्गों में पहुंच के भी क्या हो जाएगा, गिर गए तो कौन संभालता फिरेगा वहां पर। और क्या गिरे नहीं है, आपने देखा नहीं है फॉलन एंजल जिसको कहते हैं, आप में से कितने फॉलन एंजल है पता है आपको। गुरुदेव सबका हिस्ट्री दिखाते हैं, सामने बैठे ना ऐसे पता चलता रहता है कि ये बैठते कि कहाँ कहाँ से होकर आए हैं, जो सामने आता है व्यक्ति उसके बारे में सारी राम कहानी उसकी दिखनी शुरू हो जाती है, कहां से आए हैं, कितने दुख दर्द सह के आए हैं, अभी भी भक्ति नहीं कर रहे, अभी भी वो नहीं कर रहे जिसके द्वारा इनका कल्याण हो जाए, फिर वहीं अटके हुए हैं, फिर वो संसारी बातों में उलझ उलझ के रह गए हैं। अरे भाई अब माफ करो, निकलो वहां से, माफ करो और सीधी सीधी मुक्ति की तैयारी करो। जो अभी मैंने अभी बात कही ना, बात पकड़ो सीधी सीधी भक्ति, तो भक्ति की बात करो जितना हो सके, बड़े प्यार से मैंने अभी जो कहा कि भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए और न कोई चढ़ सके निज मन समझो आए। अब भक्ति की बात करो, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। नारद जी भी नारद भक्ति सूत्र में लास्ट में जाकर कहते सारे सारे अलग अलग रास्ते बता दिए, अब मैं बात कर अथा तो अब फाइनली मैं बात करता हूँ किसकी, भक्ति जिज्ञासा। अब मैं भक्ति के बारे में जिज्ञासा का हल करता हूँ, जो आपने सवाल किया उसका मैं हल करता हूँ। अथा तो आखिरी चीज है, सारी बातें कर लेने के बाद जो फाइनल चीज बचती है वो भक्ति बचती है। यही बात भगवान श्री कृष्ण की वाणी में आपको समझाई ना, भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं कि जो भगवान को, जो मुझ परमात्मा स्वरूप को जानने का प्रयास करता है, अंत में वो क्या होता है, जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य स्वरूप विभूति को, योग शक्ति को तत्व रूप से जानता है, जो ये जान लेता है कि सारे खेल के पीछे मैं ही हूं, भगवान फरमा रहे हैं, कहते हैं वो सब और ये सारा जो खेल चल रहा है ये सब मेरी ही माया का खेल चल रहा है और मैं ही एक परिपूर्ण हूं, ये तत्व रूप से जानता है, उसको क्या होता है, उसे निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं उसको मैं भक्ति देता हूं, यानी ज्ञानी को भी अंत में भक्ति ही मिलती है, ये भी समझ लेना।
ज्ञानी को भी अंत में भक्ति ही मिलती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। स्टीव जॉब्स, आप सभी ने जाना है, सुना है, स्टीव जॉब एप्पल के जो सीईओ थे किसी समय में, राइट, तो अंतिम समय में, मृत्यु के समय में, उनके मुंह से जब वो मौत आने लगी, तो उनके उन कुछ ऐसा घटित हुआ उनके अंदर, ओह वाह, उनके चेहरे पर, मौत का टाइम है, ये उनके चेहरे से निकल रहा है, उनके मुंह से निकल रहा है, ओह वाह। अब अंग्रेज हैं तो अपनी भाषा में कहेंगे, हमारी भाषा में, अरे वाह, कमाल हो गया, मरने जा रहे हैं, मृत्यु शैया पर पड़े हैं और वो कुछ ऐसा देख रहे हैं वहां पर, अरे वाह, कमाल हो गया, ओह वाह, ओह वाह, ये कहते कहते उनके प्राण निकल गए, लेकिन इतना आनंद चेहरे पर। अब वो क्या किया था उन्होंने ऐसा, कहीं ना कहीं बहुत गहरे स्तर पर डीप डिवोशन थी, बहुत गहरी डिवोशन थी। आज ये कंपनी वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, कुछ गहरा, कोई गहर, उसके पीछे भक्ति का बेस है, फाउंडेशन है। जितने भी लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं ना, उनके पीछे स्वामी विवेकानंद को आज आप नमस्कार करते हो, पीछे क्या है, वो जो श्याम कृष्ण परमहंस जी के प्रति अटूट भक्ति, अटूट, कूट कूट कर उनके अंदर जो भक्ति भरी हुई थी ना अपने गुरु के प्रति, उनकी भक्ति की छोटी सी बात बताता हूँ यार आपको बताने के लिए, वो कितने महान थे, कितना गुरु के प्रति प्यार था। एक बार किसी शिष्य ने गुरु के प्रति कमेंट कर दिया, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति, क्योंकि उनको गले का कैंसर था, आपको पता होगा, तो गले का कैंसर था, तो सारा दिन थूक कफ ब्लड आता रहता था मुंह से। अब अच्छे खासे इंसान की ऐसे मतलब हालत खराब हो जाए, देख के भी गुरु, गुरु जो है जिनको हम रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, परमहंस का मतलब होता है महासुखी, परम सुखी, जिसके ऊपर कोई और नहीं, आखिरी स्टेज है योगियों की, परमहंस सतगुरु, वही मेरे सतगुरु परमहंस गुरुदेव, जिनकी मैं आपको बार बार जिक्र करता हूं, वंदन करता हूं, वही परमहंस सतगुरु, जब उन परमहंस गुरुदेव के को कफ आता था, बोलते थे ना तो कफ गिरता था, खून गिरता था, वो साफ करना पड़ता था बार बार। जो अच्छे खासे नजदीकी शिष्य थे ना, उनकी हालत खराब होनी शुरू हो गई थी, ये क्या है, सुबह से शाम तक वो खो 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 परेशान होते रहते हैं और फिर हमें वो सब देखना पड़ता है। ये बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, जरा समझना। तो लोग नफरत करें, अपने गुरु के प्रति नफरत का भाव लोगों के में पैदा होने लगा, उनके जो नजदीक से नजदीक लोग थे सबकी हालत खराब हो गई थी। अब गुरु की लीला होती है, माया होती है, सबकी समझ में कहां आती है ये, तो ये बात नरेंद्र यानी कि जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, उनको ये पता लगी कि मेरे गुरु के प्रति नफरत का भाव, सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा बहुत एक मतलब कफ कफ फेंक रहे हैं या कुछ ऐसा, इस बात को लेकर कि उनकी उनको कौन साफ करे, कौन सफाई करे। तुम गुरु का लेवल जानते हो, गुरु का दर्जा क्या है, गुरु के प्रति प्यार क्या चीज होती है, भक्ति क्या चीज होती है, तुम जानते हो वो कौन है, उनकी सारा खेल, ये उनकी लीला चल रहा है। ये कहकर नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद ने उनका जो जिसमें वो कफ करते थे ना, फेंकते थे थूक कफ खून उसमें गिरा हुआ था, वो सारा वो प्याला जो है ना वो पी गए थे। आपको हैरानी होगी, लगेगा बड़ा अजीब सा, लेकिन ये दिखाने के लिए कि मैं अपने गुरु के रोम रोम से प्रेम करता हूं, अपने गुरु के रोम रोम से प्रेम करता हूं, वो जिस रूप में भी है वो परब्रह्म परमात्मा है, वो जो खेल कर रहे हैं वो एक लीला मात्र है। ये श्रद्धा थी उनकी अपने गुरु के प्रति। आज दुनिया स्वामी विवेकानंद के एक भाषण के पीछे, शिकागो में जो उन्होंने फरमाया, आज भी उस बात के को हजारों हजारों लाखों करोड़ों लोग सुन चुके हैं और सुनते रहेंगे। ये भक्ति का स्वरूप है, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति जो उनके मन में थी, क्या हमारे मन में जाग सकती है? भगवान राम भी, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि रघुकुल नायक हैं, जिनके नाम लेने मात्र से संसार का कल्याण हो जाता है, गुरु वशिष्ठ जी की चरण चंपी करते हैं ना, उनके चरणों को दबाते हैं, तो वशिष्ठ जी जो राजा जब करवट बदलते हैं तो जरा टेढ़े होकर भी फिर वो करते हैं सेवा, रात के 12-12 बजे तक सेवा करते हैं अपने गुरु की। बात छोटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं जो सभी सभी सारा खेल रचाने वाले हैं, वो संदीपनी मुनि जी के आश्रम में बैठकर अपने गुरु के चरण दबाते हैं, गुरु माता को दंडवत प्रणाम करते हैं, कोई खेल है? क्यों? राम कृष्ण ते को बड़ा तिन हूं तो गुरु कीन, तीन लोक के हैं धनी गुरु आ गए आधीन।
तो गुरु के प्रति कितना प्यार होना चाहिए, कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाके बात समझ में आती है। बात को समझ लेना छोटी है, लेकिन ये भक्ति का खेल है। ये भक्ति का मतलब, अगर गुरु है तो गुरु के प्रति अटूट विश्वास। तो जिसके गुरु है, नहीं तो परमात्मा से गुरु की मांग करो, क्योंकि भक्ति वो जो गुरु दे। इस बात को भी समझ ले, जो भी अभी बात कही ना, कि अभी अभी जो बात करी, जैसे मैंने ये वाली बात आपको समझाई, दोबारा रिपीट करो कि भक्ति भक्ति सबको कहें, भक्ति न जाने भेद, पूर्ण भक्ति जब मिले कृपा करें गुरुदेव। जब गुरु कृपा करते हैं तब तो वो पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। यही भक्ति आज हम देखते हैं, हम संसार में केवल भारी रूप देखते हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या चला था, लोग कहाँ से इसमें ऊंचाई पर पहुंचे हैं, वो भक्ति ही उसके पीछे कारण है। किसी भी रूप में आप अगर हमें भी कुछ देखते हैं, किसी भी रूप में, ये कहीं ना कहीं एक अटूट प्रेम पर, अपने सतगुरु के प्रति अटूट प्यार, जो उन्हें रोम रोम में भरा है, कूट कूट कर अंदर भरा है, बस वही भक्ति वही प्रेम जो है किसी ना किसी रूप में सामने आता है। तो नमस्कार करते हैं अपने सतगुरु को बारंबार, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सतगुरु, वो हमारे हृदय में वास करें, हमारा रोम रोम उनके प्रति समर्पित रहे। इसी भक्ति को के लिए ही नाम का जाप करना है, अपने जीवन को सफल करना है, भक्ति की मांग करनी है। बाकी भक्ति दान मोहे दीजिए, लास्ट लाइन है, इसको हम फिनिश करते हैं। अपने गुरु से, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, एक बार पुनः प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर, कि भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरु देवन के देव और कछु नहीं चाहिए, निश दिन तुमरी सेव, भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए, निश दिन तुमरी सेव, भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए, निश दिन तुमरी से। थैंक यू थैंक यू। भक्ति का दान दीजिए प्रभु, भक्ति का दान दीजिए। हे परमेश्वर स्वरूप सतगुरु, आपके चरणों की भक्ति मिले, हमारा भी ये जीवन सफल हो जाए, आपके दिए हुए पवित्र नाम का जाप करके हमारी भी आत्मा का कल्याण हो जाए। कृपा करें गुरुदेव, कृपा करें गुरुदेव, सब पर कृपा करें, जीवन को मार्ग प्रदर्श प्रशस्त करें प्रभु। मैं प्यादा पा मुसाफिर, तू चिराग राहे मंजिल, मेरा काम भूल जाना तेरी शान रहनुमाई। ए मेरे रहनुमा, मुझे रास्ता दिखाते रहना, मुझे सही रास्ते पर लेकर चलना, मेरा मन भटके नहीं। बार बार हम प्रार्थना करते हैं ना, तो यही प्रार्थना रहती है कि प्रभु हमारा मन भटके नहीं, कभी भटक भी जाए तो बैठे हैं ना सर्व समर्थ सदगुरु, जिसके सर पर बैठे खींच कर वापिस अपने ट्रैक पर ले आते हैं, तो गलती हो भी जाए खींच कर अपने ट्रैक पर ले आते हैं, गुरु की कृपा है। तो ऐसे गुरु का सानिध्य चाहिए, ऐसे गुरु की ब्लेसिंग चाहिए। तो मांगे परमात्मा से कि ऐसा गुरु जिनके गुरु नहीं है उनके गुरु मिल जाए, जिनके हैं उनकी कदर करें, और रोम रोम में उनके नाम का जाप करके अपने जीवन को सफल करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।